विक्की वेदर्दी के सामने खड़ा हूँ, उसकी चेहरे को देखकर मन कांप गया, रूह कांप गया। मैं तमाम लोगों से कहूँगा, मैं भी किससे मिले। इस लड़के का नंबर है 7079239806। इसकी ज़रूरत है, आप सब लोग को मदद की ज़रूरत है। जवान लड़का है, नौजवान लड़का है अभी, और जीवन और मौत से जूझ रहा है। मेरे माँ पिता कोई नहीं है, मेरा यहाँ तक कोई घर जीवन नहीं है। देखिए अकेले आए हुए हैं ब्लड चढ़वाने। डोनर का जो खर्चा है, सोनू सूद सर बोले थे कि जब भी आपको मतलब अगर डोनर मिल जाते हैं तो हम आगे आएंगे और आपका ट्रांसप्लांट हम करवाएंगे। लेकिन अभी तक उनसे कोई हमारी बातचीत नहीं हो पाई है। उनका एक मैनेजर थे, उनको फ़ोन लगा रहे हैं, वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सोनू सूद ही ट्रांसप्लांट करवाएंगे तो विक्की वेदर्दी का किडनी ट्रांसप्लांट हो पाएगा। हमारे बिहार की 12-13 करोड़ की आबादी है और मुश्किल से 5-7 लाख रुपए इसके इलाज में, ट्रीटमेंट में अब खर्च होगा। जो मुझे लगा, जहाँ तक मैंने बातचीत करी उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ, तो 5-7 लाख रुपया अगर 1% व्यक्ति भी अगर हमारे बिहार का अगर आके सामने मदद कर देता है तो आसानी से इनका किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो हर चीज़ पर, हर बात पर हमें सोनू सूद पर हर चीज़ नहीं छोड़ना। नमस्कार, प्रणाम। लाइव लॉग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। एक बार स्थिति बताई थी, उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन क्रिटिकल होते जा रही है। अभी हम मौजूद हैं पॉपुलर्स नर्सिंग होम में, जहां वो अभी एडमिट है, और उनकी स्थिति इतनी क्रिटिकल होते जा रही है कि उनके अंदर ब्लड नहीं था। आप देख सकते हैं कैमरा कैमरे पे, अभी इनको ब्लड चल रहा है। डॉक्टर ने इनकी स्थिति और क्रिटिकल बताई है। हम जानने का कोशिश करेंगे कि अब इनकी स्थिति कैसी है। और साथ में एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि हमने पिछले इंटरव्यू में नंद कुमार बाबा से रिक्वेस्ट किया था कि बाबा एक बार आप उनसे मिलिए और हो सके तो उनकी मदद करिए। तो नंद कुमार तिवारी जी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि देखकर उनको स्थिति कैसा लगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब हम सवाल उठाते हैं, अभी प्रमाण सामने में हम दिखाएंगे कि इनसे मिलकर इनको कैसा लगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे। पहले तो बाबा बताइए। क्या बोलूँ मैं, अभी तो मैं विक्की वेदर्दी के सामने खड़ा हूँ, उसकी चेहरे को देख कर मन कांप गया, रूह कांप गया। मैं तमाम लोगों से कहूँगा, मैं भी करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ बता देता हूँ, दान गुप्त होता है, इसलिए मैं ओपन नहीं करूँगा। मैं जो कुछ भी बन पाऊंगा जरूर, जो बन पाएगा जरूर करूंगा। और तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि इसे मिले। इस लड़के का नंबर है 7079239806। इसकी ज़रूरत है, आप सब लोग को मदद की ज़रूरत है। जवान लड़का है, नौजवान लड़का है अभी, और जीवन और मौत से जूझ रहा है। मैं क्या बताऊं, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं इसको स्पेशली देखने के लिए आया। कारण ये है कि शायद थोड़ी सी सहयोग से किसी की ज़िंदगी बच जाए। यहाँ तमाम लोग तमाम तरह की बातें उठा देते हैं कि ऐसे बच्चे बहुत हैं, ऐसे बहुत बच्चे को बचाने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि मैं जिस बच्चे के पास पहुँचा उसी की बात कर सकता हूँ। और मैं तमाम लोगों से फिर एक बार आग्रह करता हूँ कि आप लोग अभी ये पॉपुलर पटना के कदम कुआँ के पॉपुलर नर्सिंग होम में भर्ती है और अभी ब्लड चढ़ रहा है, और ये लड़का जीवन और मौत से जूझ रहा है। इसको मदद ज़रूर आप लोग करें, और मैं भी कोशिश करूंगा, थोड़ी सी तबीयत में सुधार हो रहा है तो मदद करूंगा भी और करवाऊंगा भी। और तमाम लोग जो भी बुद्धिजीवी हैं, जो भी थोड़े से दान करता है या सहयोग करता है, आप सबों से मैं नंद कुमार तिवारी अपील कर रहा हूं कि इस लड़के का नंबर, ये मैं नहीं कर रहा हूं कि आप इसके खाते में डाल दीजिए, मेरे खाते में डाल दीजिए, नहीं, इससे मिलिए। आपसे जो बन पाता है उसको मदद कीजिए। फिर एक बार इसका नंबर मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका नाम है विक्की बेदर्दी और ये आरा का रहने वाला है। आरा कौन सा गाँव? मझौवा। और अभी आप देख रहे हैं ब्लड चढ़ रहा है। इसका नंबर है 7079239806। तो तमाम लोगों से एक बार फिर मैं पूरा हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, उस बच्चे की मदद कीजिए, इसके जीवन को बचाइए। और बूंद बूंद से तला भरता है, जिसको जो बन पाता है वो करे और करके इस लड़के का जीवन बचाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और फिर एक बार पुनः आप सबों से आग्रह कर रहा हूं, एक जिंदगी बचाना बहुत जरूरी है विक्की बेदर्दी का। और क्योंकि अभी ये नौजवान है और जीवन और मौत से जूझ रहा है, इसलिए अब हम लोग आगे आए,
इसके जीवन को बचाएं। और एक बात और मैं जानकारी के लिए आप लोगों को बताना चाहूंगी कि पिछले बार हमने बताया था कि आप लोग कहते हैं कि मदद ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं, ऐसे बच्चे बहुत सारे होंगे, बहुत सारे लोग इलिजिबल होंगे अपने बच्चे की इलाज करवाने में, लेकिन इलाज की बात अगर मैं बिक्की बेदर्दी की करूँ तो इनके माँ पिताजी कोई नहीं है, अपने माँ पिताजी नहीं है ना, और मेरे माँ पिता कोई नहीं है, मेरा यहाँ तक कोई गर्जीवन नहीं है, देखिए अकेले आए हुए हैं ब्लड चढ़वाने। साथ ही बिक्की बेदर्दी ने हमें एक जानकारी दी थी, इनका कहना है कि इन्हें एक डोनर अवेलेबल हो चुका, डोनर मिल चुका है, कोई व्यक्ति है, नेक दिल व्यक्ति हैं जो इन्हें डोनेट करने के लिए तैयार हैं, जानना चाहेंगे आप बता रहे थे कोई डोनर मिले हैं। हाँ मिले हैं, लेकिन डोनर का जो खर्चा है, सोनू सूद सर बोले थे कि जब भी आपको मतलब अगर डोनर मिल जाते हैं तो हम आगे आएंगे और आपका ट्रांसप्लांट हम करवाएंगे, लेकिन अभी तक उनसे कोई हमारी बातचीत नहीं हो पाई है, उनका एक मैनेजर थे उनको फोन लगा रहे हैं, वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। देख सकते हैं साफ तौर पे इनकी स्थिति हालत एक बार फिर से दिखा दीजिएगा, क्या स्थिति है वो आप देख के समझ सकते हैं, बाकी नहीं समझ सकते हैं तो आप आके भी इनका रिपोर्ट वगैरह जांच कर सकते हैं, डॉक्टर खुद आपको इनकी स्थिति के बारे में बखूबी बता देंगे। साथ ही किडनी डोनर तो मिल गए हैं, लेकिन डोनर देने के लिए ऐसे कोई भी, आपको पता है कि आज के डेट में बिना पैसे का कोई भी किडनी का एक यूनिट ब्लड देने के लिए नहीं तैयार होता है, तो किडनी तो बहुत दूर की बात है, डोनर मिल गई है लेकिन ट्रांसप्लांट में जो भी खर्चे आएंगे उस खर्चे के लिए अब इनके पास पैसा नहीं है। पिछली बार भी हमने कहा था ऑन कैमरा कि इनके पास जो भी पैसे थे, जो भी जमीन जायदाद थे, सारे बेचकर पिछले एक साल से ये लगा लिए, जब ये असमर्थ हो चुके हैं तब लोगों से मदद मांगने की अपील की है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सोनू सूद तक अगर ये बात पहुँच जाती है तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि वो तो बखूबी करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं एक और जिक्र करना चाहूँगी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सोनू सूद ही ट्रांसप्लांट करवाएंगे, बेदर्दी का किडनी ट्रांसप्लांट हो पाएगा। हमारे बिहार की 12-13 करोड़ की आबादी है और मुश्किल से 5-7 लाख रुपये इसके इलाज में ट्रीटमेंट में अब खर्च होगा, जो मुझे लगा जहाँ तक मैंने बातचीत करी उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ, तो 5-7 लाख रुपया अगर 1% व्यक्ति भी अगर हमारे बिहार का अगर आके सामने मदद कर देता है तो आसानी से इनका किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो हर चीज़ पर, हर बात पर हमें सोनू सूद पर हर चीज़ नहीं छोड़ना चाहिए हमारे बिहार का, और सबसे बड़ा बात मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ कि भोजपुरी समाज का है, हमें नहीं लगता है कि भोजपुरी समाज में इतना पैसा नहीं होगा लोगों के पास कि इनकी मदद कर सके, कहने के लिए क्रेडिट लेने के लिए जब आप लोग आगे आते हैं तो फिर मदद के लिए आप लोग आगे क्यों नहीं आते, फिर से हम कहेंगे और एक अपील करेंगे कि अभी भी वक्त है, इस बच्चे की, इस लड़के की जान बच सकती है अगर आप लोग सामने आइए। तो बाकी रह गई हमारी बात, हमने कोशिश की मदद करने की, हमसे जो बन पाएगा मैं वो मदद करूंगी और जहां तक हो सकेगा मैं इस बात को पहुंचाने की कोशिश करूंगी। बाकी आप लोगों से आखिर फिर से अपील है, इनको एक बार दिखा दीजिए, जितना हो सके आप लोग सामने आइए, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डाल दूंगी, आप लोग वहां से इनको कॉल करके संपर्क कर लीजिए, आके देखिए, सेटिस्फाइड होइए, अगर लगता है कि वाकई बिक्की बेदर्दी को मदद करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ मदद जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, आगे फिर से दिखाएंगे आगे इनकी स्थिति में क्या कुछ सुधार आता है, क्या कुछ होता है, सारी रिपोर्ट आपको चैनल्स पर मिलेंगी, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।